बीकानेर में चल रहे 28वें अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव में आज दूसरे दिन सुबह जोडबीट कंजर्वेशन रिजर्व में बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देशी विदेशी पर्यटक उपस्थित रहे और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को निहारा। इससे पहले कल राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिनमें संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह और एनआरसीसी निदेशक डॉ आर्तबंधु साहू, स्वामी केशवन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, अनुसंधान केंद्र के निदेशक और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के निदेशक अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वापस से हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर के वापस से शुरू किया है। हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में ये फेस्टिवल जरूर सफल होगा। बीकानेर के खुद के देशी लोगों के लिए भी ये जो एक बड़ी सनातन परंपरा थी उसको वापस पुनर्स्थापित करने में ये फेस्टिवल जरूर सफल होगा। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि पर्यटक और यहाँ के लोग दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें हम बीकानेर की कला, संस्कृति, ग्रामीण जीवन और विरासत को विभिन्न झलकियों के माध्यम से दिखाएंगे और लोगों को एक मौका देंगे कि वो उसमें आके पार्टिसिपेट करें, इंजॉय करें और उल्लास का अनुभव करें। और लास्ट दिन जो है हमारा इसमें कैमल माउंटेड बैंड का प्रस्तुतिकरण है और लोक कलाकार है उनके माध्यम से कला और संगीत का एक बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मेरे ख्याल में जितने भी लोग आए हैं सब इसका मजा ले रहे हैं और ये एक ऐसे मौका है जो ऊंट की संख्या की कमी हो रहा है, उस संख्या की कमी के दिशा में लोगों के बीच में उत्साह आना चाहिए कि ऊंट से हमें कमाई कैसे करें। जो कमाई होगी ऊंट रखेंगे और ऊंट की दुर्दशा जो है वो सुधरेगा। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे बहुत मेला लगा हुआ है, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। कोरोना के बाद यहाँ पे काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ देखने को मिली है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी जैसे पोशाकें पहन के काफ़ी ना प्रतियोगिता जैसे रची जा रही है। मिस्टर बीकानेर या जो भी है मतलब यहाँ पे, और काफ़ी नृत्य देखने को मिले हैं यहाँ पे। ये सारी प्रतियोगिताएं बीकानेर के लोगों में एक अलग ही रोमांच, एक बहुत ही उत्साह, बहुत ही आनंद पैदा कर रही है।